हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त करण और आज आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम रिमूव करेंगे हमारी जो नीमल लेमन प्लांट पे जो एयर लेयरिंग करी हुई है, तो अभी हम उसको रिमूव करते हैं और देखते हैं इसमें रूट्स है या नहीं, उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो हम इसे काटते हैं। कटर की सहायता से आसानी से काट लीजिए। अगर कटर को पहले थोड़ा सा हाइड्रोजन परऑक्साइड से थोड़ा सा इसको साफ़ कर लीजिए, जिससे कोई बैक्टीरियल डिजीज ना लगे और कोई फंगस का अटैक ना हो, तो इसे हम काट लेंगे। तो हमने इसे रिमूव कर लिया है, तो अभी हम इसके आपको दिखाते हैं इसमें रूट्स है या नहीं है। तो दोस्तों, हमने हमारी जो एयर लेयरिंग है वो इसे रिमूव कर लिया है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें रूट्स है या नहीं है और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहा है। और आपके सामने मैं इसके रिज़ल्ट बताऊंगा और कुछ टिप्स बताऊंगा कि एयर लेयरिंग काटने के बाद इसे कैसी सॉइल मिक्स में लगाना चाहिए और इसमें क्या क्या और चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे इसकी बेहतरीन ग्रोथ हो सके और इसमें फ्लोरिंग आ सके और लेमन प्लांट भी लग सके। तो दोस्तों, अब हम इसमें जो थ्रेड बांधा हुआ है, धागा बांधा हुआ है, इसे हम हटाएंगे। तो दोस्तों, देखिए जी, आप इसमें रूट्स बहुत सारी आ चुकी है और जो हमारा सॉइल मिक्स है उसमें जो रूट्स है बहुत ही अच्छे से डेवलप हो रही है। ये देखिए, इसमें बहुत सारी रूट्स आ रही है। तो अब हम इसमें ज़्यादा इस कुछ हिलाएंगे नहीं, क्योंकि ये रूट बोल्ट टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रूट डैमेज हो जाएगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो ख़राब हो सकती है। इसमें जो रूट्स की जो पैदावार होगी वो कम होगी। तो अब हम इसका सॉइल मिक्स बनाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ इसे कौन से पॉट में लगाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा नर्सरी पॉट होता है, हम इसी में एक बार इसे ग्रो करेंगे। देख लीजिए, इसमें ड्रेनेज होल है बहुत सारे। तो अब हम इसकी सॉइल मिक्स बना लेते हैं कि कौन सी सॉइल मिक्स के लिए बेहतरीन रहेगी और प्लांट की जल्दी से रूट्स और आ जाएगी और बहुत सारी इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सॉइल मिक्स बताऊंगा अभी। तो दोस्तों, हमने पॉट में जो थोड़े से लीव्स है वो डाल दिए हैं। अब हमारा जो सॉइल मिक्स है वो आपको बताता हूँ। तो इसमें हमने थोड़ी सी 50% के तकरीबन गार्डन सॉइल ली है और 20% ये तकरीबन इसमें हमने बजरी और 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडम कंपोस्ट लिए। तो बजरी इसमें पहले से मिक्स है, तो मैं इसमें आपको दिखाया नहीं पाया। बाकी इस बजरी जो हमारी है वो वर्मी कंपोस्ट पहले से मिक्स है। तो अब हम इस मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं और आपको पोटिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें मैंने अभी थोड़ी सॉइल डाल के देखी है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि कितना इसमें गहरा है। तो देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हमारी जो सॉइल मिक्स है वो पूरी डाल देते हैं, तो मैं आपको पूरी सॉइल मिक्स डाल के बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो एयर लेयरिंग है वो लग के रेडी है। तो अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। तो इसमें वाटरिंग एक बार तो अच्छे से करनी है ताकि ड्रेनेज होल से सारा पानी निकल जाए, बाकी हम बाद में देखेंगे इसमें कितना पानी डालना है। तो एक बार हमने इसमें अच्छे से पानी डाल दिया है। तो दोस्तों, हमारा जो प्लांट है वो लग के रेडी हो गया है और कुछ समय बाद मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा। अगली वीडियो में आपको इसका अपडेट दूँगा कि इसमें नई शूट्स निकली है, नई लीव्स निकली है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।